हजरत बाकी बिल्ला से किसी ने पूछा फना और मका का फर्क क्या है, आपने फरमाया ये बात उससे पूछना जब बाकी बिल्ला दुनिया से चला जाए। ये बाकी बिल्ला मस्तीनी मुजद्दद अल-फिसानी का पीर है। कहा ये उससे पूछना जो मेरे जनाजे की इमामत करवाएगा, जो मेरे जनाजे की इमामत करवाएगा। वो बंदा भी इंतजार में था बाकी बिल्ला कब पर्दा करे, कब सवाल का जवाब मिले। एक तो बाकी बिल्ला ने उसको ये बता दिया कि तुझसे पहले मैंने मरना, तूने नहीं मरना। इत्तकु फिरासत अल-मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डर ये अल्लाह के नूर से देखता। अब हजरत बाकी बिल्ला दुनिया से पर्दा फरमा दे, सफे तैयार, बड़े बड़े सूफिया औलिया उलमा मशायख सफों में खड़े थे। वो नौजवान भी था कि सवाल का जवाब इमाम से लेना है। अब अचानक इमाम साहब मुसल्ला खाली था, मुसल्ला खाली था, इमाम साहब आए मुसल्ले पे, चेहरे पे नकाब, यानी कि उन्होंने इस अंदाज से रुमाल सर पे रखा था कि चेहरा नजर नहीं आता। वो बंदा करीब हुआ, कहने लगा इमाम साहब जनाजा पढ़ाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे हुक्म हजरत बाकी बिल्ला का था कि तेरा जो सवाल है इसका जवाब मेरे जनाजे का इमाम देगा, तो सवाल है। फरमा पूछ। अभी उसने पूछा नहीं, आपने चेहरे से निकाब हटाया तो खुद बाकी बिल्ला मुसल्ला इमामत पे खड़े 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 खड़े, खुद हजरत बाकी बिल्ला मुसल्ले पे खड़े थे। उसने देखा हैरत में पड़ गया, फरमाया अगे ना बोली, ओ फनाई जड़ा मंजी ते पई, ए बकाई जड़ा तेरे सामने खड़े खड़े खड़े। बात की समझ आ गई है।